आज तक भारत के इतिहास में हमने कभी भी किसी के ऊपर फर्स्ट अटैक नहीं किया है और यही भारत की इस दुनिया में सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन अगर किसी ने हम पर अटैक किया तो हमने उसका बहुत कड़ा जवाब दिया है। 1971 में इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा और सक्सेसफुल ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद यह पहला इतना बड़ा सक्सेसफुल नेवी ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में हमारा एक भी जवान शहीद हुए बिना हमने पाकिस्तान में घुस के उनके लड़ाकू जहाजों पर हमला किया और सिर्फ हमला ही नहीं किया, उन्हें पूरी तरह से डुबा दिया। पाकिस्तान के कराची पोर्ट में मिसाइल अटैक किए, उनके ऑयल स्टोरेज को डिस्ट्रॉय किया गया और यह हमला इतना बड़ा था कि कराची पोर्ट पूरी तरह से तहस नहस हो गया और कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भारत की तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, यानी हम हथियार पहली बार कभी भी किसी के ऊपर नहीं उठाते हैं, तो फिर इंडिया ने उन पोर्ट्स पर इतने घातक नेवल अटैक्स क्यों किए? आखिर क्यों हमने पाकिस्तान के 3 जहाजों को डुबा दिया? आखिर क्यों हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को सिर्फ एक अटैक से बर्बाद कर दिया? नमस्कार, मैं मोहित, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उस ऑपरेशन की बात करेंगे जिसमें फर्स्ट टाइम हमने एंटी शिप मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था और पाकिस्तान को सिर्फ 2 घंटे में हरा दिया था। दोस्तों इस कहानी के रूट्स 1965 में पाए जाते हैं। अगस्त 1965 की बात है, पाकिस्तानी आर्मी डिस्प्यूटेड जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन लॉन्च करती है जिसे ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम दिया जाता है। अब ऑपरेशन जिब्राल्टर क्यों नाम दिया गया? तो 1871 में एक मुस्लिम शासक ने जिब्राल्टर नाम के शहर में जो पुर्तगीज राज कर रहे थे उन्हें उखाड़ के फेंका था। अब पाकिस्तानियों को शायद ये लगा होगा कि जिब्राल्टर नाम रख देंगे तो कश्मीर को जीत लेंगे, लेकिन रियलिटी सिर्फ नाम रखने से नहीं बनती, उतना करेज और डेडिकेशन भी होना चाहिए जो पाकिस्तान में आज भी नहीं है। खैर दोस्तों, ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंडर पाकिस्तानी आर्मी के लगभग 40,000 सोल्जर्स जम्मू एंड कश्मीर में घुसते हैं, और वो भी सोल्जर्स के लिबास में नहीं घुसते, वहाँ के लोकल कपड़े पहन के घुसते हैं, क्योंकि उन्हें पता था सोल्जर की लिबास में अगर घुसे तो इंडिया में पैर भी नहीं रख पाएंगे। इन पाकिस्तानियों का मेन उद्देश्य था जम्मू कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करना। लेकिन दोस्तों इंडियन आर्मी को जैसे ही इसका पता चलता है इन्हें दौड़ा दौड़ा कर भगाया जाता है, और ये जिब्राल्टर नाम का ऑपरेशन जो पहले से ही फेल होना तय था वो एक्चुअल में बुरी तरह फेल हो गया। पाकिस्तानी वॉर प्लान का दूसरा कदम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। अगस्त 1965 में सैकड़ों आजाद कश्मीरियों को ट्रेनिंग देकर मुजाहिदों और रजाकारों का एक गिरोह जिसमें बड़ी मात्रा में सिविल कपड़ों में पाकिस्तानी फौज के कर्मी भी शामिल थे, उन्हें हथियार वगैरह देकर कश्मीर में घुसपैठ करा दी गई। उद्देश्य था कश्मीर में विद्रोह और बदअमनी फैलाना, एयरपोर्ट और रेडियो स्टेशन पर कब्जा करना और कश्मीर को आजाद घोषित कर देना। भारतीय वायुसेना ने Mi-4 हेलीकॉप्टर में मशीन गन फिट करके छापामारों के पीछे पड़ते हुए उन्हें खदेड़ दिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर नाकामयाब हो गया। अब दोस्तों इस इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच के टेंशन्स बढ़ना शुरू हो गए थे। इसी का नतीजा अगस्त 1965 में इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच डायरेक्ट वॉर शुरू हुआ जो लगभग 1 महीना चला, 23 सितंबर तक। हम तो तभी पाकिस्तान पूरा जीत लेते क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इंडियन आर्मी का क्लियर अपर हैंड था, लेकिन वो सीज़फ़ायर डिक्लेयर होने की वजह से बच गए। खैर इस वॉर में भारत की जीत के बाद भी पाकिस्तान के नापाक हरकतें बंद थोड़ी होने वाली थी। 1971 में पाकिस्तान की आर्मी जिस तरह से बांग्लादेश में जिनोसाइड चला रही थी, जिस तरह से उन्होंने लगभग 30 लाख सिविलियंस को मार डाला, और जिस तरह से तब खुद की जान बचाकर लाखों की संख्या में रिफ्यूजीज भारत आ रहे थे, तो इंडियन आर्मी का बांग्लादेशियों को उन्हीं के देश में प्रोटेक्ट करना तो ऑब्वियस था। एक्चुअली बांग्लादेश तब पाकिस्तान का ही एक भाग था, बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन पाकिस्तानी ये नहीं समझ पाए कि वो खुद के ही लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। अब हमारी आर्मी बांग्लादेश में लड़ रही थी तो पाकिस्तानियों के नापाक दिमाग में ये बात आई होगी कि अगर हम इंडिया पे वेस्ट साइड से अटैक कर दे तो ज्यादातर इंडियन आर्मी बांग्लादेश में होने की वजह से हमें इंडियन आर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए वेस्टर्न फ्रंट से हम आसानी से ये जंग जीत सकते हैं, और अगर हमारी फौज वापस आती भी है तो वो एरोप्लेन से लाई जाएगी। इसलिए 3 दिसंबर को पाकिस्तान इंडियन एयरफील्ड पे अटैक करता है ताकि कोई प्लेन लैंड ही नहीं हो पाए, और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी।
एयरफील्ड पर किए उस अटैक के बाद दूसरे ही दिन 4 दिसंबर को हम पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन नेवी का ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च करते हैं। ये कराची बंदरगाह पे जो अटैक किया था भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर की रात को, वो बिल्कुल एक बहुत ही डेयरिंग अटैक था। कि पहली चीज, कराची एक इनका बहुत ही मेन हार्बर था, जितना भी पेट्रोलियम रिजर्व था ये इनका कराची में था, और कि हमारी एक उनका ऑयल टैंक फार्म था वहाँ पे, और इनके ज़्यादातर जहाज जो थे वो कराची में बेस्ड थे। सो अगर हम लोग इनके घर में जा कर के अटैक करें तो इससे काफ़ी मुराल पे इम्पैक्ट होता है। और दूसरी चीज़, हम इनको ये बताना चाहते थे कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी नौसेना को काफ़ी खतरा है भारतीय नौसेना से। 1971 में पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट है वो पाकिस्तानी नेवल फोर्सेस का हेडक्वार्टर हुआ करता था। तब पाकिस्तानी नेवी का पूरा बेड़ा कराची हार्बर पर ही रहता था। इसके अलावा कराची पूरे पाकिस्तान के मेरीटाइम ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था। उनके जितने भी सी रूट से होने वाले ट्रेड्स है वो सभी के सभी कराची पोर्ट से ही होते थे। इसलिए कराची का वो पोर्ट एक तरह से पाकिस्तान के इकोनॉमी की नस था। इसलिए कराची हार्बर की सिक्योरिटी पाकिस्तानी हाई कमांड की फर्स्ट प्रायोरिटी थी। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कई पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर जहाज समंदर में तैनात थे जो उसे नेवल सपोर्ट दे रहे थे। अगर हवाई हल्ला होता है तो उसे रोकने के लिए एयरफील्ड पे स्ट्राइक एयरक्राफ्ट तैनात थे। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कराची पोर्ट पूरी तरह से सुरक्षित था, और वो सुरक्षित रहता भी अगर पाकिस्तान इंडिया पर अटैक नहीं करता। क्योंकि इंडियंस ऐसे है ना, अगर आप उनसे रिस्पेक्टफुली रहोगे तो आपको अनएक्सपेक्टेड रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि इंडियंस जियो और जीने दो रूल को दिल से निभाने वाले लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इंडियन एयरफील्ड पे अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पाकिस्तान लॉन्च्ड अ फुल स्केल वॉर अगेंस्ट अस। द पाकिस्तान एयर फोर्स सडनली स्ट्रक एट आवर एयरफील्ड इन अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला एंड आगरा। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने अटैक किया, और उसके अगले ही दिन यानी 4 दिसंबर को हमने एक प्लान तैयार किया पाकिस्तान को सबक सिखाने का। इंडियन नेवल हेडक्वार्टर दिल्ली और वेस्टर्न नेवल कमांड ने मिलकर कराची पोर्ट पर अटैक करने का प्लान बनाया। एक डिजिग्नेटेड कराची स्ट्राइक ग्रुप बनाया गया जिसमें 3 विद्युत क्लास मिसाइल बोट्स थी, INS निपत, INS निर्घाट और INS वीर। इन तीनों बोट्स पे 4-4 सोवियत मेड सरफेस टू सरफेस मिसाइल लगाए गए। इसमें हर एक मिसाइल की रेंज 40 नॉटिकल माइल यानी लगभग 74 किलोमीटर की थी। इसके अलावा 2 अर्नाडा क्लास एंटी सबमरीन्स थी, INS किल्टन और INS काटचेल। ये पूरा बेड़ा 4 दिसंबर को कराची पोर्ट से साउथ में 250 नॉटिकल माइल यानी लगभग 460 किलोमीटर दूर रुक जाता है, ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स के सर्विलियंस रेंज के बाहर रह सके। अब हमें पता था पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास नाइट बॉम्बिंग की कैपेसिटी है ही नहीं। पाकिस्तानी एरोप्लेन रात में देख ही नहीं सकते, इसीलिए पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग जब रात के 10:20 हुए थे तब हमारा बेड़ा आगे बढ़ता है और 180 नॉटिकल माइल यानी पोर्ट से लगभग 330 किलोमीटर दूर पहुंचता है। तभी आगे 70 नॉटिकल माइल पे एक पाकिस्तानी वॉरशिप दिखता है, PNS खैबर। अब जैसे ही हमें वो वॉरशिप दिखी वैसे ही हमारा INS निर्घाट आगे जाता है और पहला स्टैक्स मिसाइल फायर करता है, और वो मिसाइल डायरेक्ट PNS खैबर के राइट साइड हिट करता है। अब दोस्तों राइट साइड में इलेक्ट्रिशियन का मेस डेस्क था, इसीलिए फर्स्ट बॉयलर रूम में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। अब आगे की कहानी सुनकर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी कितने बेवकूफ है। वैसे हम सबको पता है कितने बेवकूफ है, लेकिन जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए जान लेते हैं। अब खैबर को क्या लगता है कि वो मिसाइल अटैक किया है इंडियन एयरफोर्स ने, हालांकि वो अटैक किया था इंडियन नेवी ने। तो PNS खैबर अपने हेडक्वार्टर को इमरजेंसी सिग्नल भी वही भेजता है कि उन पर एयर स्ट्राइक हुई है। PNS खैबर में मौजूद पाकिस्तानी ऑफिसर में एग्जैक्ट क्या मैसेज भेजा था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एनिमी एयरक्राफ्ट अटैक्ड इन पोजिशन 020FF20, नंबर 1 बॉयलर हिट, शिप स्टॉप। ये उनका भेजा हुआ एग्जैक्ट मैसेज था। अब इसमें एक गलती तो उन्होंने ये की कि इस पूरे अटैक को एयरक्राफ्ट अटैक बताया गया, और दूसरी गलती ये की अपने जहाज के कोऑर्डिनेट्स ही गलत भेज दिए। अब उन्हें बचाने के लिए जो रेस्क्यू टीम भेजी गई वो उन्हें गलत जगह ढूंढ रही थी, और उनके एयरक्राफ्ट ऊपर इंडियन प्लेन ढूंढ रहे थे। इसी बीच INS निर्घाट दूसरा मिसाइल फायर करता है जो सेकंड बॉयलर रूम को लगता है, और पूरा का पूरा खैबर 222 सैनिकों के साथ डूब जाता है।
इसके बाद लगभग 11 बजे INS निपत दो मिसाइल फायर करता है। एक कार्गो वेसल विनस को हिट करती है जो तुरंत डूब जाता है और एक मिसाइल PNS जहाज जहान को लगती है जिससे शिप बुरी तरह डैमेज होती है। इसके 20 मिनट बाद INS वीर PNS मुहाफिज पे मिसाइल फायर करता है जो एक ही हिट में लगभग 33 जवानों के साथ डूब जाती है। इसी बीच हमारा INS निपत कराची तक पहुंच जाता है। वो कराची से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर खड़ा था, वहां से दो मिसाइल फायर करता है कराची पोर्ट पर जिनका टारगेट केमारी ऑयल स्टोरेज टैंक्स थे। उन दो मिसाइल में से एक मिसाइल मिसफायर हो जाता है लेकिन दूसरा ऑयल टैंक्स को डायरेक्ट हिट करता है। ये इतना बड़ा हिट था कि इससे पूरे कराची पोर्ट में आग लग गई थी। इस एक हिट की वजह से पाकिस्तान को फ्यूल शॉर्टेज देखना पड़ा था, तो आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना बड़ा स्टोरेज टैंक था। जैसे ही ये अटैक किया गया वैसे ही हमारा पूरा बेड़ा पीछे मुड़ता है और सेफली इंडियन हार्बर पर पहुंचता है। दोस्तों, ये ऑपरेशन ट्राइडेंट वर्ल्ड वॉर टू के बाद का सबसे बड़ा ऑपरेशन था जो इतने बड़े पैमाने पर विदाउट एनी कैजुअलिटी परफॉर्म किया गया। इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करना ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी और रहेगी, इसीलिए हम हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।